हेलो एवरीवन। सो अभी मेरे साथ है अर्णव देवान, जिसको मैंने क्लास 7 से पढ़ाया है, और तब वो बहुत ही छोटा था, और अभी उसको देखिए वो कितना लंबा हो गया है। एनीवेज, तो अर्णव ने 2022 में 92% के साथ अपना बोर्ड क्लियर किया था। सो अर्णव, प्लीज बताओ अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्णव दीवान। मैंने आइकॉन इंग्लिश स्कूल से 2022 में अपना बोर्ड्स क्लियर किया था 10th का, और मैंने मेमोर सर से 7th क्लास से पढ़ा था और वो 10th तक पूरा कंटिन्यू किया था। तो अर्णव, एकेडमिक्स में तो आप पहले से ही बहुत अच्छे थे, एज आई नो, बट जब आपके बोर्ड्स में 92% आए, तो आपकी क्या एग्जैक्ट फीलिंग थी और आपकी मॉम की क्या फीलिंग थी, प्लीज बताओ। पहले से एक्सपेक्टेशन था कि 90 तक परसेंटेज आ जाए, फिर उसका 92 जब आया तो अच्छा लगा, लेकिन फैमिली का थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि 94 तक ओके, जाएगा, लेकिन फिर भी 92 अच्छा परसेंटेज था, क्योंकि कॉलेज में फिर एडमिशन लेने में हेल्प, आप अभी कौन से कॉलेज में हो? कॉटन यूनिवर्सिटी। कॉटन यूनिवर्सिटी। ओके, तो सिंस मैंने आपको बताया कि वो 7 से मेरे साथ है, तो प्लीज बताओ 7 से लेके 10 तक अपना प्रिपरेशन जर्नी, और मैंने और सर ने आपको कैसे हेल्प किया, कितना हेल्पफुल था वो सब। जब हम 6th तक था तो एवरेज स्टूडेंट था, मतलब कि 80-70 उतना परसेंटेज रहता था जनरली, लेकिन जब 7th में आया आपके पास ट्यूशन लिया, तो फिर उसके बाद परसेंटेज 90 तक क्रॉस करने लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कंटिन्यू हुआ 8th क्लास में। 9th क्लास में थोड़ा कम ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो फिर हुआ और आज तक वो कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, फिर डाउट्स क्लियर हो, कॉन्सेप्ट हो, बहुत मदद किया उसने। सो अर्णव, सो आप 7 से हमारे साथ हो, तो ऐसा बहुत होता है कि बच्चे 9 10 में स्पेशली साइंस सब्जेक्ट को उतना सीरियसली नहीं लेते, जबकि वो चाहते हैं कि 11th में वो साइंस स्ट्रीम लेके आगे बढ़े। बट आपने और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने स्पेशली 9 10 से ही अपना प्रेपरेशन फुल स्विंग में स्टार्ट किया था, तो जो साइंस और मैथ्स आपने 9 10 में इतने अच्छे से पढ़ा, तो क्या उसने आपको 11 12 में हेल्प किया? हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया 9th का, क्योंकि 9 और 10th में जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं हम लोग, क्यों 11th 12th में वही चैप्टर्स इलेबोरेटली और ज़्यादा पढ़ना होता है, ओके। तो इसीलिए फिजिक्स में जैसे कि मोशन वगैरह हो गया, फिर बायो में जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं 10th में, रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें, और केमिस्ट्री में भी मेनली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है, तो उन लोग को एटॉमिक नंबर ही याद नहीं होते 1 से लेकर 20 तक, जो मतलब कि 11th में दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग का वो दिक्कत नहीं होता। ओके, सो इसीलिए क्लास 9 10 में साइंस को प्लीज सीरियसली लेना। सो अर्णव ने अपने 12th के एग्जाम्स दे दिए हैं, अब आगे वो नीट के लिए तैयारी कर रहा है। सो आई जस्ट होप वो नीट पे भी वैसे ही अच्छे परसेंटेज के साथ उसको क्लियर करे। ओके अर्णव, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम।